प्रमोद तिवारी लीडर नहीं डीलर है। कोई एक सिंगल प्रत्याशी नहीं बचा, चाहे सपा कहो, बसपा कहो, भाजपा कहो, अपना दल कहो, जनता दल कहो, किसी भी पार्टी कहो, कोई नहीं बचा बिना मार खाए। ये भी बच्चा नहीं बचा जो आपसे बात कर रहा है। प्रमोद तिवारी की तरफ से कोई संदेश नहीं आया? नहीं, संदेश तो बहुत आया, निपट लेंगे, देख लेंगे। अब योगी जी की सरकार है, उनको ये मालूम नहीं है कि बुलडोजर रिपेयरिंग में गया है, अभी 10 मार्च के बाद चले। आदरणीय मोदी जी देश से कांग्रेस का सफाया कर दिए और निश्चित तौर पर कील ठोक कर गए हैं। इस बार विदाई हो जाएगी और टिमटिमाता दिया बुझ जाएगा इस बार। ये जो 200 रुपए छीने और तख्ता चुराया, ये सब क्या है? मेरी लंबाई देख रहे हैं, 5 फुट 2 इंच है। मैं तख्ता लेके भागना चाहूँ तो भाग भी नहीं पाऊंगा लेकिन। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा है। फिलवक्त जिसका पड़ाव है प्रतापगढ़ जिले में। द्रूह किस्म का जिला है ऐसा प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, किंवदंतियों का जिला है ऐसा यहाँ के मतदाता कहते हैं। बड़ा भोकाल भी रहता है दूसरे जिलों में इसका, लेकिन इस जिले के भीतर अलग अलग तबीयत की राजनीति पनपती रही है। कहा जाता है कि एक वक्त उत्तर प्रदेश से ताकत पाकर कांग्रेस पूरे देश में शासन करती थी। कहा जाता है कि जब यूपी में कांग्रेस सिमटती चली गई तब भी कुछ टापुओं पर उसकी सत्ता बनी रही। इन टापुओं के नाम किसी ने रायबरेली कहे, किसी ने अमेठी कहे, लेकिन पिछले 20-30 साल में ये भी अलग अलग वर्षों में ध्वस्त हुए। लेकिन एक सीट ऐसी है जहां 1980 से कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, और ये सीट है प्रतापगढ़ ज़िले की रामपुर खास सीट। 1980 से 2012 तक यहाँ पर प्रमोद तिवारी जीते, लगातार जीते, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है एक ही सिंबल पर जीतने का। वो राज्यसभा गए तो उनकी बेटी आराधना मिश्रा उर्फ मोना जीतने लगी, बाई इलेक्शन जीती 2017 में। कहा यह भी जाता है कि एक राजा राम पांडे का अपवाद छोड़ दें तो विपक्ष में उनका कैंडिडेट रिपीट नहीं होता है, पर इस अपवाद को भी ध्वस्त होने में इस बरस का समय लगा। हमारे साथ नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, 2017 में भी भाजपा के कैंडिडेट थे और 2014 के बाई इलेक्शन में निर्दलीय लड़े थे। और कई लोग कह रहे हैं, ख़ास तौर पर इन छोटे सरकार के समर्थक, कि भैया जो 19 में अमेठी में हुआ वो 22 में यहाँ हो सकता है। तो हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। आप प्रमोद तिवारी के राजनीतिक साम्राज्य को चुनौती देते दिख रहे हैं। राजनीति में, लोकतंत्र में वैसे भी साम्राज्य जैसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। ये छोटे सरकार नाम की क्या कहानी है? इसे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे को प्यार से, दुलार से नामकरण करना चाहती हो। कोई अपने बच्चे का नाम कोतवाल रखता है, कोई डीएम रखता है, कोई सिपाही रखता है, कोई दरोगा रखता है। वैसे मेरी माँ के भी 8 बच्चे थे, 5 भाई मैं, 3 मेरी बहन, 8 भाइयों और बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए माँ ने प्यार से छोटे सरकार रख दिया। सबसे दुलारा था घर में, इसलिए छोटे सरकार पड़ गई। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो आपके समर्थकों ने ईवीएम का नमूना तैयार करवाया है उसमें भी यही लिखा है, नागेश प्रताप सिंह छोटे सरकार जी। क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं क्या आप? हमें कहा गया कि आप क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत करवाते हैं जी, थोड़ा बताइए कैसे सिलसिला शुरू हुआ? नहीं, एक्चुअली क्या है, हम 2010 में लखनऊ से MBA करने के बाद मैं गांव आया। हाँ, तो मैं जब बचपन में पढ़ता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मैंने किया जी, तो मुझे लगा कि ये साम्राज्य जो स्थापित है यहाँ पर लगातार प्रमोद तिवारी जी का, वो साम्राज्य कहीं ना कहीं गरीब परिवार को परेशान करता है। ऐसा कोई गांव नहीं हुआ है जहां पर लोग उनके 2-4-6 लोग उनके शागिर्द बन गए हों, और बनने के बाद केवल गरीबों के ऊपर बिल्कुल अत्याचार टाइप के, जैसे हिंदुस्तान जब गुलाम था उस तरीके से, जब गुलामी में लोगों हिंदुस्तान के लोगों पर बिल्कुल अत्याचार करते थे, ठीक उसी प्रकार से रामपुर खास विधानसभा में आज भी अत्याचार की सीढ़ी चलती थी। तो 2010 के से लगातार हम लोग जब बस से लखनऊ की यात्रा करते थे तो रास्ते पर सोचते थे यार कि नौकरी नहीं करनी, माँ बाप पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन मन में इच्छा थी कि पढ़ लेंगे, अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, देश दुनिया को जान लेंगे, सबको समझ लेंगे, लेकिन लौट कर अपने गाँव आएंगे और निश्चित तौर पर यहाँ स्टैंड करेंगे और पब्लिक बीच में रह कर, नौजवान साथियों के साथ रहकर,
खेलकूद के मैदान से युवाओं को जोश देकर, मतलब क्लैरिटी थी एमबीए के दिनों से ही कि नेतागिरी करनी है। हाँ, मन की इच्छा थी। हाँ। नेतागिरी की इच्छा नहीं थी, इच्छा थी रामपुर खास को हिंदुस्तान की तरह आजाद कराना। हिंदुस्तान तो आजाद हुआ, लेकिन जिस विधानसभा हम रहते हैं यहाँ 40-42 वर्षों से, जितनी मेरी उम्र नहीं उतने दिन से ज्यादा, यहाँ पर मोती तिवारी जी का कार्यकाल चल रहा है, कांग्रेस का कब्जा है। और निश्चित तौर पे मन में जिज्ञासा थी कि यहाँ का इतिहास बदलना है। और आज तक इस रामपुर खास में जो लोग भी आए, लड़े, चले गए, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ मैं यहाँ का बच्चा हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ सबका। तो कुछ ना कुछ जिस लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी की थी, तो छोटे सरकार क्यों नहीं रामपुर को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, रामपुर को आज़ाद करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमको बताइए, हमने और भी कई जिलों में देखा, ये पॉलिटिक्स का नया क्रिकेट मॉड्यूल है जिसमें नेताजी गांव गांव में टूर्नामेंट करवाते हैं, किट वगैरह बंटवाते हैं और युवाओं में पकड़ होती है, यही है मॉड्यूल क्रिकेट टूर्नामेंट का? मॉड्यूल क्या है पॉलिटिकल? नहीं, मेरा मॉड्यूल ये नहीं था, जो भी मेरे साथी रहे। शुरुआत, पहली बात तो मैं खुद शौकीन था, गांव में टूर्नामेंट करता था, तो कमेंट्री खुद भी खेलते थे। हाँ, खुद भी खेलता हूँ। वैसा तो नहीं होता था कि बल्ला हमारा, हम दो दाम लेंगे? ऐसा कुछ नहीं रहा, केवल टूर्नामेंट कराने का शौकीन ही रहे भैया। हाँ। कि जब 10-5 गांव के लोग आ जाते थे। हाँ। तो लड़कियां रहे, पैसों कम रहा, एंट्री फीस आउट रही। हाँ। तो एंट्री फीस से, और उसी से बच्चों का भी उत्साह होता, साथियों का भी, अब मेरा भी मनोरंजन हो जाता था। जैसे लखनऊ से इलाहाबाद से मंगवाते थे 10 दिन के लिए, उसी में टूर्नामेंट भी खेलते थे, टाइम भी पास हो जाता था और साथियों के साथ अपना इंजॉय भी हो जाता था। और उससे क्या है, लोगों की रुचि जो थी, लोग उस मेरा जुड़ाव होता जाता था। अच्छा। इसी धीरे धीरे अन्य गाँव के लोगों से जुड़ाव बढ़ता गया, तो लोग मुझे बुलाते गए, भैया मेरे गाँव में आइए, टूर्नामेंट हम लोग करा रहे हैं, आप आएंगे तो मेरा सम्मान बढ़ेगा। तो मुझे भी गर्व होता था कि यार मुझे साथी मेरे बुला रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। ऐसे धीरे 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 कारोबार बढ़ता गया, हर गांव के लोगों ने मुझको टूर्नामेंट में इनवाइट करना शुरू कर दिया और मैं लोगों के साथ जाना शुरू कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे 2014 में मेरी उत्पत्ति, रामपुर की BCCI हो गए, मेरी उत्पत्ति हो गई। बताइए 14 में जब उपचुनाव हुआ तो पर्चा भरने का कैसे ख्याल आया? जो पार्टियों के कैंडिडेट थे मोना मिश्रा के सामने, वो तो तीसरे चौथे पे चले गए और निर्दलीय कैंडिडेट कितना वोट पाए? 26,397 दूसरे नंबर पर आ गए। तो निर्दलीय तो बड़ा दम रख दिखाना पड़ा होगा, घर वालों का क्या रिएक्शन था? मैं बता रहा हूँ, जब 2014 का चुनाव हुआ तो मेरे मन में ख्याल था कि मैं जिला पंचायत पहले लूंगा, सदस्य जिला पंचायत सदस्य के लिए। फिर जब 17 में विधानसभा का चुनाव आएगा तो मैं विधानसभा लड़ूंगा, ये मेरी तैयारी थी। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है? हाँ, होता है, होता है। हमको तो बताया गया था कि निर्विरोध होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताइए। सदस्य का चुनाव, मन में जो जिज्ञासा थी मेरे, हाँ, कि मैं अपना क्षेत्र में, परिवार में, समाज के लोगों के बीच में, माताओं बहनों भाइयों के बीच में जाऊंगा। हाँ। और एक चुनाव लड़कर अपने को स्थापित करूंगा, फिर विधानसभा चुनाव 17 में लड़ूंगा। लेकिन मैं ठेकेदारी करता था, मैं जिला पंचायत विभाग में ठेकेदारी करता था। मैं संयोग से एक दिन जिला पंचायत में उस दिन बैठा था, टीवी चल रही थी अध्यक्ष जी कमरे में, जिला पंचायत अध्यक्ष जी के, और टीवी देख रहा था मैं, उसमें यह आया कि प्रमोद तिवारी राज्यसभा सदस्य हो गए। और मेरे दिमाग में एक मैं बाउंस कर गया कि सीट तो खाली हो गई, मैं तैयारी जिला पंचायत कर रहा था। हाँ। और सीट खाली हो गई, उसी दिन वहीं से मैं वापस लाया ठेकेदारी को, वहीं छोड़ दिया। और मैंने कंटिन्यू 2-3 गाड़ी जो भी मेरे पास एम्बेसडर क्वालिस थी उसको लेकर मैं डोर टू डोर अपने 5-7 साथियों को लेकर घर घर जाना शुरू कर दिया। चुनाव चाहे जब होगा मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझसे ये मतलब तक मुझे रामपुर आज़ाद कराना है। अब जिला पंचायत दूर हो गया, अब विधानसभा शुरू हो गया, तो घर घर जाके जाते जाते 4 महीने मैंने पदयात्रा किया, विधानसभा के चुनाव का डेट आ गया, 6 महीने के अंदर चुनाव हुआ। और लगभग तकरीबन 70% गाँव ऐसे थे जहाँ मैंने घर घर डोर टू डोर नॉक किया है, गरीब अमीर हर घर को, वो सभी माताओं बहनों से जाकर मैंने आशीर्वाद लिया, पैर छुआ, प्रणाम किया कि भैया एक बार मुझे अवसर दीजिए। और मैंने कभी नहीं सोचा मुझे किस पार्टी टिकट मिलेगा, मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे केवल ये था कि रामपुर आज़ाद कराना है, अब की नहीं तो अगली बार आज़ाद मुझे ही कराना है। और मेरे मन में था कि आज़ाद नहीं होगा तो कभी होगा नहीं। प्रचार प्रसार रुक गया, चुनाव आ गया, वह डेट आ गई, घर में हमने कहा, घर वाले जानते नहीं थे सुबह तैयार हो कहाँ जाता है, ये तो मैं अपना निकल लेता था, घर वाले जान पाए तो पूरी ताकत लगा दी मुझे रोकने के लिए, रोकने के लिए कि चुनाव नहीं लड़ना भाई। अच्छा भाई, प्रमोद तिवारी, घर वाले भी प्रमोद तिवारी के समर्थक थे? नहीं नहीं, घर वाले मेरे समर्थक, मेरे परिवार है, मेरे भाई है, मेरे माता पिता है, फिर क्यों रोक रहे? लेकिन वो चाहते थे कि यहाँ पर आतंक है,
यहाँ पर गुंडे ही हुए हैं, यहाँ पर लोगों को जेल फर्जी भेज दिया जाता है, यहाँ लोगों को मारा जाता है, लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, लोग ये सब अभी भी हो रहा है। हाँ, पर 2017 से तो योगी आदित्यनाथ सरकार है, वो कह रहे हैं कि प्रदेश में अमन चल रहा है। मैं पीछे पहले आपके जो जिस बात पर जा रहा था फिर बताऊंगा। बताइए बताइए। तो घर वालों ने मना किया, हमारे रिश्तेदार भी लगे, घर वालों की बात मैं नहीं माना, तो रिश्तेदार भी लगे दबाव बनाने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, जिस संकल्प मेरे मन में है रामपुर लड़ना है तो लड़ना है, आजाद कराना है तो कराना है। फिर घर जब मैं जीत पे अड़ गया, पर्चे दाखिले का समय आ गया, तो घर वालों ने फिर मेरी बात स्वीकार किया। हाँ। क्योंकि गार्जियन मेरे हैं, अभिभावक मेरे हैं। हाँ। तो बच्चे के तो हर बात मानते हैं, जिस तो स्वीकार करना है। हाँ। लेकिन पहले प्रयास किया उन्होंने कि कुएं में काहे गिरने जा रहे हैं, आग में क्यों अपने बच्चे को ढकेल दें। इसलिए परिवारों ने अपना हित सोच कर मुझको मना किया, लेकिन नहीं माने तो मेरे साथ मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे रिश्तेदार सब लोग लगे। मैंने पर्चा दाखिला किया, प्रयास किया टिकट के लिए अपना दल में बीजेपी में, टिकट नहीं मिला। फिर नहीं मिला तो हम लोग टिकट के लिए छोड़ दिए, हम अपना पर्चा दाखिल निर्दल कर दिए। प्रमोद तिवारी की तरफ से कोई संदेश नहीं आया पहले चुनाव में? नहीं, संदेश तो बहुत आया। क्या आया था? निपट लेंगे, देख लेंगे, 27 जिसे अभी भी धमकी चलती है, 27 के बाद 28 आएगा, अभी भी लोगों के पास फोन आते हैं, धमकियां होती हैं। वैसे 14 में मेरे 27 तारीख को यहाँ पे पोलिंग है, इसलिए कह रहे हैं 27 के बाद मंच पे होते हैं, 27 के बाद 28 भी आएगा। तो अब योगी जी की सरकार है, उनको ये मालूम नहीं है कि बुलडोजर रिपेयरिंग में गया है, अभी 10 मार्च के बाद चलेगा वो। अच्छा, अभी उनको पता नहीं है, वो शायद भूल गए हैं इस बात को। अच्छे अच्छे गुंडे जेल में है तो बिल में तो पक गए, नहीं तो प्रदेश को छोड़ दिए। अच्छा ये बताइए जी, 14 में आप निर्दलीय लड़े जी, फिर 17 में आपको भाजपा का टिकट मिला जी, तो कैसे मिला टिकट? खुद भाजपा वाले आपके पास आए या आप भाजपा वालों के पास गए? जब मैं 14 चुनाव हार गया, मैं जानता था कि 14 में चुनाव हार जाऊंगा, लेकिन मुझे रामपुर खास में अपने परिवार में अपने आप को स्थापित करना था, और जनता का स्नेह मिला, जनता का प्यार मिला, और 27,000 मत से मेरा सम्मान हमारी माताओं बहनों भाइयों ने बढ़ाया, मेरे साथियों ने पूरी ताकत झोंककर अपना आशीर्वाद दिया। उसी आशीर्वाद के दम पर मुझे लगा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि रामपुर खास के सभी परिवार को सुरक्षित और उनका मान सम्मान बढ़ा सकती है। इसलिए मैंने 2014 चुनाव हारने के बाद मैंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी, मैं स्वयं भाजपा ज्वाइन किया, और माननीय महेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री हैं, प्रतापगढ़ के ही रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे प्रतापगढ़ में, माननीय संगम लाल गुप्ता जी हमारे सांसद हैं, उन्हीं के स्कूल में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, वहीं पर मुझे पटका और माला पहना कर ज्वाइन कराया गया भाजपा, और सबका आशीर्वाद से मिला। लगातार मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा 2.5 साल, उसके बाद चुनाव आया, मैं टिकट के लिए प्रयास किया, पार्टी ने मुझे स्वीकार किया, अपना कार्यकर्ता समझकर, सिपाही समझकर, बेटा सब परिवार को समझकर मुझे स्वीकार कर लिया, टिकट दिया, और टिकट दिया तो मैंने अपने परिवार के बीच में अपना आशीर्वाद मांगना फिर शुरू किया, लोगों ने आशीर्वाद भी दिया, और 38,000 वोट भी बढ़ गया आपका। बढ़ क्यों नहीं जाएगा, मैं जो 2.5 साल का कार्यकाल बीता, 14 से 17 का जो मेरा समय बीता, वो मैंने क्षेत्र का ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, किसी भी जात बिरादरी के लोग, किसी भी पार्टी के लोग रहे हों, मुझसे पार्टी जात बिरादरी और परिवार से मुझे मतलब था कि ये पूरा रामपुर खास मेरा परिवार है। अच्छा एक बात बताइए जी, हम लोग आपका एफिडेविट देख रहे थे जी, बड़ा मुकदमा लदा है आपके ऊपर, तख्ता चोरी किया, 200 रुपया छिनाया, है ये कैसा कैसा मुकदमा है, क्या है कहानी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी लेखपाल थे। हाँ। लेखपाल आप जानते हो जी, बाकायदा गांव का ही हूँ जी, मेरे पिताजी लेखपाल थे, प्रमोशन बाद में हो गया। हाँ। मेरे बड़े वाले भाई साहब अध्यापक हैं, इंटर कॉलेज है करी है मैं। हाँ। मेरे दूसरे वाले भाई साहब एक कोटा, उनके नाम कोटा चलाते हैं, एक साधारण परिवार मैंने पहले भी आया। तीसरे वाले भाई साहब भट्टा, अपने पास भट्टा चलाते हैं। हाँ। चौथे वाले भाई साहब ढाबा, जहाँ बैठे हैं मेरा ढाबा है। अच्छा जी, भाई साहब चलाते हैं। हाँ। और मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो जनता की सेवा के लिए मैं आपके बीच में सबके आ गया। अरे जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। तो 14 के पहले जी, चुनाव के मेरे लड़ने के पहले मेरी तीन पुस्त में एक मुकदमा नहीं था। अच्छा। मेरे पिताजी, मेरे बाबा, आजा, परपाजा, मैं तो आगे जानता ही नहीं। हाँ। लेकिन एक मुकदमा नहीं था, लेकिन जैसे मैं चुनाव में कदम रखा, क्योंकि उनका इतिहास रहा, प्रमोद तिवारी का इतिहास रहा है, आज तक 42 वर्षों में कोई एक सिंगल प्रत्याशी नहीं बचा, चाहे सपा कहो, बसपा कहो, भाजपा कहो, अपना दल कहो, जनता दल कहो, किसी भी पार्टी कहो। हाँ। कोई नहीं बचा बिना मार खाए,
ऐसा कोई प्रत्याशी बिना मार खाए, बिना मार खाए। अरे मार से ध्यान आया, वो आपके सांसद हैं संगम लाल गुप्ता जी, सब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं, हीरामणि पटेल जी लड़े थे, पुष्पा कन्नौजिया जी लड़ी थी, विज्ञात सिंह लड़े थे, राजाराम पांडे जी लड़े थे, सबको बेइज्जत किया उन्होंने, सबकी किसी की साड़ी फाड़ दी, किसी कुर्ता फाड़ दिया, किसी को पटक कर मारा, किसी को जूतों से मारा, ऐसा किसी को भाग कर चौकी में अपनी जान बचानी पड़ी, कोई नहीं बचा, ये भी बच्चा नहीं बचा जो आपसे बात कर रहा है। आपको भी मारा? अरे धुआंधार बैटिंग हुई हमारे साथ, गजब की बैटिंग हुई प्रमोद तिवारी के गुंडों ने। 14 में फर्जी मुकदमा फंसा के जेल भेज दिया गया, यही इसी ढाबे पे जहाँ बैठे हैं। क्या मुकदमा लगाया? जिस दिन मतदान था 14 में, मतदान के दिन हम लोग बैठे थे, मतदान समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया था, यही बैठे थे हम लोग, समीक्षा कर रहे थे, जबरिया गुंडों को भेज कर मेरी लोगों को मारा गया, मेरी कुर्सियाँ सब तोड़ डाली गई, यहाँ पर हम लोग हटकर मेरा भट्टा पीछे चले गए कि विवाद से टल जाए, चूँकि हम कमज़ोर हैं, उस स्थिति मेरी अच्छी नहीं थी, निर्दल प्रत्याशी था मैं। लेकिन उन लोगों ने मेरे जो कारीगर थे यहाँ पर खाना बनाने वाले, उनको शटर बंद कर लिया अंदर से बेचारे, उसके बाद भी शटर पीट कर उन कारीगर को मारना गया, ये लोग फिर फोन आया हम लोग बिराए बचाने के लिए, तो इन लोगों ने मारा भी, और 307 की धारा में मुकदमा मेरे ऊपर फर्जी लिखवा कर, और मुझे जेल भी भेज दिया गया, 3 महीने 8 दिन मैंने जेल भी काटा है। अब मेरे 3 पोस्ट में मुकदमा नहीं था, लेकिन चुनाव लड़ गया, ये मेरा अपराध है, चुनाव लड़ना रामपुर खास में अपराध होता है, और 307 में जेल चला गया, मैं अकेले नहीं गया, गुनाह मैंने किया, चुनाव मैंने लड़ा, लेकिन सजा मिली मेरे 5 भाइयों को, सजा मिली मेरे 26 साथी को, ऐसा किसी बिरादरी का साथी नहीं रहा, यादव वर्मा विश्वकर्मा केसरवानी छत्ती ब्राह्मण कोई नहीं बचा, सब के सब जेल चले गए, जिनकी तनिक भी हमसे छुआ छुआ ही रही होगी, तनिक भी कोई नहीं बचा, सब जेल चले गए। 3 महीने जेल लोगों ने काटा है। एक 2 पंडित जी हमारे साथ जेल गए थे, वो उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने हमारे यहाँ पूजा सुनाते थे, पिताजी पुजारी थे, इसलिए वो जेल चले गए, पूजा सुनाओ का अगर हम रहेंगे, जो ढाबा का भी चाय पी लिया होगा वो जेल चला गया, मतलब एकदम आतंक है, गुंडागर्दी है, भय है यहाँ पर व्याप्त, कुछ नहीं है। और ये जो 200 रुपये छीने और तख्ता चुराया, ये सब क्या है? मैं ये बताना चाहता हूँ भैया कि मेरी लंबाई देख रहे हैं आप, 5 फुट 2 इंच है, 2 से कुछ ज़्यादा होगी उसको पता नहीं पाऊँ, 3 से कम है, 2 से ज़्यादा है। अच्छा, और मैं अगर आप स्वयं से मौजूद हैं, मैं तख्ता लेके भागना चाहूँ तो भाग भी नहीं पाऊँगा, लेकिन लेकिन मेरे ऊपर तख्ता चोरी का मुकदमा लिखा है। हाँ, मैं पिछली बार थरिया 2017 के चुनाव में, थरिया एक गाँव है यहाँ सांगेपुर ब्लॉक में, हाँ, थरिया शाम हो गई थी, मैं बाजार चौराहा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैं उसे तख्ते पर खड़ा होकर माइक पे बोलना शुरू कर दिया, बोलने के बाद रात हो गई तो मैं चला आया घर, सुबह पे उठा पे सोकर पेपर में लिखा छोटे सरकार आए मीटिंग की और तख्ता लेकर भाग गए। अब भाई साहब बताइए, तख्ता उठाकर भाग भी पाऊंगा 10 कदम बाद गिर पा जाऊंगा, उठ भी नहीं पाऊंगा, इतनी बड़ी शरीर भी नहीं, मामला तख्ते का नहीं, मामला चोरी की धारा गंभीर है, मुझे उनको अपराधी बनाना है, चूंकि आज तक कोई टिक नहीं पाया, कोई बचा नहीं मार खाने से, तो मैं कैसे बच जाता, चूंकि मैं 14 में लड़ा जेल चला गया, फिर भी मैं उनके तांडों को सह लिया, 17 में वापसी कर दिया, और उनको लगा कि इसको अब अपराधी बना ही दो, लेकिन जनता का प्यार है मेरे साथ। अच्छा ये बताइए, 17 से 22 तक प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार रही, जी योगी आदित्यनाथ की सरकार ये दावा करती है कि गुंडा राज खत्म, प्रदेश में अमन चैन, कानून का शासन, तो 17 से 22 का कार्यकाल कैसा रहा आपके लिए रामपुर खास में? जो मैंने आपको एफिडेविट दिया भाई साहब, वो सारे मुकदमे 14 से 17 के बीच किए हैं। अच्छा, 17 में आदरणीय योगी जी की सरकार बन गई, किसी माइकलाल में दम नहीं है, तो रामपुर खास के माइकलाल में कहां दम होगी जब किसी में दम नहीं है। अच्छा, फिर 5 साल कोई मुकदमा नहीं लगा, कोई मुकदमा कैसे मुकदमा होगा, फर्जी मुकदमा, योगी बाबा की सरकार है, बुलडोजर धक्का धक पता ही नहीं चल रहा है तो किसकी हिम्मत है भैया। अच्छा, और इन्होंने गुंडे किया, इन्होंने प्रयास बहुत किया मेरे पर मुकदमा लिखवाने के लिए, तहरीर बहुत पड़ी 2000 का, भिड़ी भिड़ा का, हत्या का, कीर इन्होंने गोली चला दी है, लेकिन सब लाइसेंसी वाइसेंसी है क्या आपके पास? लाइसेंसी तो है, वैसे भी आपकी लाइसेंसी से तो कम ही चलाता है गोली। नहीं, हम अपनी सुरक्षा के लिए लिए, जब मैं राजनीति में नहीं था। अच्छा, तब वो लाइसेंसी में लिया था, 100 किया लिया था उस समय 2011 में, मैंने लाइसेंस तब बनवाया जब मैं पढ़कर लौटा था, ठेकेदारी करनी थी और मैं टेंट हाउस चलाता था। अच्छा, मैंने शुरुआत में घर आया तो मैं अपने आपको स्थापित करने के लिए यहाँ बैठने के लिए मैंने लोगों से मिलूँ कैसे ऑफिस स्टैंड किया, तो एक टेंट हाउस मैंने चलाया छोटा सा, परिवार के गार्जियन से पैसा। वही टेंट हाउस है क्या? नहीं, टेंट हाउस तो अब तो नहीं रह गया, कुछ बचा नहीं ना। अच्छा, इनके तंडों से
सरिया सिंह की दुकान थी खत्म हो गई, टेंट हाउस खत्म हो, सब कुछ मेरा बर्बाद हो, कुछ नहीं बचा मेरे पास। अच्छा जी, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया अपने जीवन का। राजकुमारी रत्ना सिंह प्रतापगढ़ का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके पिताजी दिनेश सिंह भी बहुत बड़ा नाम रहे हैं, काला काकर की रियासत, देश के प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो दिनेश सिंह ही उन्हें राजनीति में लेकर आए जी। तो राजकुमारी रत्ना सिंह लंबे समय तक कांग्रेस में रही जी, अब सुना है आपके लिए प्रचार कर रही हैं जी, बीजेपी में है, बीजेपी में आ गई, लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, आज भाजपा में है तो भाजपा परिवार में है, तो भाजपा के प्रत्याशी के लिए उन्होंने समर्थन में वोट मांग रही है और जनता से आशीर्वाद मांग रही है हमारे लिए, चूँकि उनके बच्चे समान हमें जैसे उनका बेटा है, मैं भी बेटे समान हूँ। यही बोल गई क्या? हाँ बोल गई। क्या बोली? जो सच है वो बोलेंगी ना। क्या बोली? क्योंकि बीजेपी वाले झूठ बोलने का काम करते नहीं है। अच्छा, यहाँ तो केवल कांग्रेस लंबी लंबी ढींग मारती है केवल, और हरदम वादा करती है अब की आऊँगा दिया कर दूंगा रामपुर खास में, और गरीब जनता का कोई भला नहीं हुआ। हमारे रामपुर खास में आज भी थाने की दलाली चरम पर है। हिंदुस्तान में ऐसी ब्लॉक नहीं होगी जितना लूट हमारे यहाँ तीनों ब्लॉकों में, सांगीपुर, सगरामगढ़, लालगंज। आपने पुलिस कप्तान से, डीएम से शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायत देखिए जब एक अब वो शब्द नहीं बोलना चाहते हम, आप चूँकि चैनल में हम बात कर रहे हैं, और आप समझिए कि समाप्त होगा, 90% गुंडागर्दी समाप्त हो गई, 90% लूट समाप्त हो गई, लेकिन आदरणीय योगी जी आने के बाद दोबारा जिस दिन आएंगे 10 मार्च को, फिर जो 10% बचा है इसको समाप्त। मतलब वो कह रहे हैं 27 के बाद 28 आएगी और आप कह रहे हैं कि 10 मार्च आएगा। हाँ, मैं आपको बताऊं, लोगों के दिल जीत कर वो 42 साल राज नहीं किए। आप सर्वे करा लीजिए, आप जानकारी के लिए विश्वास करिए, उन्होंने लोगों के सीने पर चढ़कर रौंद कर गुंडागर्दी से आतंक के दम पर लोगों के हत्या कराकर, लोगों के साथ मुकदमे फर्जी मुकदमे फंसा कर, लोगों को गुंडाई से मार कर, लोगों के साथ को जबरियां करके बताइए ना, 42 साल जैसे हम उत्तर प्रदेश की कई नेताओं के नाम के साथ बाहुबली शब्द सुनते हैं, कोई रघुराज प्रताप सिंह के लिए कहता है, कोई हरिशंकर तिवारी के लिए कहता था, कोई किसी और के लिए, पर प्रमोद तिवारी के नाम के साथ तो कभी बाहुबली शब्द नहीं जुड़ा, इसकी क्या वजह रही? जानते हैं, प्रमोद तिवारी लीडर नहीं, डीलर है। लीडर नहीं, लीडर डीलर? नहीं, डीलर है। ये यही बात हमको राजभर जी ने भी कही थी। ये डील कर लेते हैं हर पार्टी, जैसे आप समझिए सपा बसपा सभी पार्टियों में कभी प्रत्याशी कभी कोई आया नहीं। अच्छा, ये है कांग्रेस में और आप कह रहे हैं सपा बसपा भी मैनेज कर लेते? अरे मैनेज है, हमारे यहाँ प्रत्याशी सपा कहाँ है? हमारे यहाँ प्रत्याशी सपा कहीं नहीं है ना, बसपा का तो है, बसपा को भी इन्हीं की डीलिंग से आया है। अच्छा, इन्हीं की डीलिंग से आया है और एक पटेल जी को लाए हैं, इसलिए लाए हैं कि मेरा पटेल जो अपना दल के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, लोग परिवार है, वो लोग पटेल के नाम से कट जाएंगे, 1000, 2000, 4000 काट लेंगे, इसलिए पटेल को ला दिया गया। और आप विश्वास करिए, जनता जागरूक हो गई है, इनके 42 साल के सारे नाटक को जान चुकी है, इन्होंने 42 साल में जो तांडव किया, एक एक व्यक्ति पे जो कहर ढाया, वो सब जनता जानती है, पहचानती है। तो अनुप्रिया जी आई वोट मांगने? हाँ, कल आई थी। अच्छा, कल आई थी अनुप्रिया जी ने, हमारे लिए सभी माताओं बहनों से आशीर्वाद मांगा और हमारे लिए उन्होंने कहा कि हमारा भाई है और इसको वोट करिए, छोटे सरकार को नहीं, आप लोग अनुप्रिया पटेल को वोट कर रहे हैं इस बार सब लोग। अच्छा, उन्होंने कहा छोटे सरकार के लिए नहीं, अनुप्रिया पटेल के लिए वोट करिए, जो प्रदल के भाई हैं उनके लिए उन्होंने अपना संदेश दिया। और एनडीए मुख्यमंत्री की रैली नहीं मिल पाई? नहीं मिली। कहाँ नहीं मिली? हाँ, मुख्यमंत्री जी पहले ही छक्का मार चले गए। अच्छा, दिसंबर में ही? नहीं नहीं, इसी 1.5-2 महीने पहले आए थे, दिसंबर 2 महीने पहले ठीक है हमारा आए थे। और समझिए, चूंकि उन माननीय मुख्यमंत्री जी को हमको यहाँ से विधायक बनाना है। अच्छा। और रामपुर को कांग्रेस, जिस तरह से आदरणीय मोदी जी देश से कांग्रेस का सफाया कर दिए, ये टिमटिमाता दिया जो जल रहा है यहाँ पर, इसके विदाई के लिए आदरणीय योगी जी आए थे और निश्चित तौर पर कील ठोक कर गए हैं, इस बार विदाई हो जाएगी और टिमटिमाता दिया बुझ जाएगा, इस बार कांग्रेस 100% बुझ जाएगा और 200 रुपये छिनेती का कभी जीवन में किसी के ऊपर आरोप नहीं लगेगा।
2000 पर्स लूट का कभी आरोप मिलेगा, कभी कोई तख्ता चोरी का आरोप मिलेगा, पूरे जीवन में हर व्यक्ति सांस लेगा। मतलब तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं क्या कि आप बदले कार्रवाई नहीं करेंगे सरकार में अगर आ गए तो? मैं कांग्रेस नहीं, मेरे लिए कोई कांग्रेस नहीं, कोई सपा नहीं, कोई बसपा नहीं, कोई भाजपा नहीं, मेरा पूरा रामपुर खास परिवार है, सभी मेरी माताएं बहनें मेरे भाई हैं। और जिस दिन ये बच्चा विधायक रामपुर खास का होगा, ये बेटा होगा, भाई होगा, किसी का साथी होगा, कभी नेता नहीं होगा। आज तक मैं दावे के साथ कहता हूं। एक बात बताओ जी, ये आप लोगों का भाषण का ट्रेनिंग कहाँ होता है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई, हुआ कोई या घूम घूम के हुआ? एकदम बड़ा देखो सब हंस भी रहे हैं, मेरी बढ़िया भाषण दे रहे हैं नेता जी, देखो सब पीछे से। मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, दिल की आवाज है। अच्छा, दिल की आवाज है। मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। मैंने ये जो ट्रेनर है, ये जो ट्रेनर है 42 साल से कब्जा किए जी, इन्हीं के शब्द को सुना हूँ, इनके फर्जी शब्द काट कर जो जनता के सही सही शब्द है उसको मैंने ऑब्जर्व किया। अच्छा, और एक आपका रोने का ऑडियो बड़ा वायरल हुआ था, क्या था मामला? रोने का ऑडियो वायरल नहीं हुआ, इन्होंने पिछली बार 17 में चुनाव जब हुआ, चुनाव मतदान के 5 दिन पहले मुझे घेर कर इन्होंने मारा, एक दिन में 3-3 बार मारा, मेरी 10-10 गाड़ियाँ तोड़ दी गई, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे भी, मैं ही मार खाए, मेरे पर मुकदमा भी बीच लिखा गया और मेरे साथी भी मार खाए। और कहाँ की बात है? ये यहीं बगल में पड़ता है, चुर्री चौराहा बबनपुर एक गाँव है, कस्बा लतीपुर, तीनों जगह मारपीट हुई। लोग पिक्चर में सुनते होंगे कि किडनैपिंग अपहरण होता है, और मेरे यहाँ प्रमोद तिवारी उनके गुंडों ने मेरे साथियों को वाकई में हकीकत में किडनैप कर लिया, और 3 साथी किडनैप हो गए, धीरज सिंह, मेवालाल यादव, जगदेव यादव, तीनों साथी को रात भर ने पीटा, शासन प्रशासन से गुहार लगाए तो जाके ला के पटक दिए, सब सुबह जान बची। यहाँ केवल गुंडों का राज है, यहाँ कहीं कोई आदर्श कहे जाते हैं। जब आपकी सरकार नहीं, तब आपने इन सब मामलों की छानबीन नहीं करवाई? असल में छानबीन हुई, 5 मुकदमे मेरे वापस भी हुई सरकार में, 5 मुकदमे मेरे वापस हुए, और मैंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहाँ इनकी डीलिंग नहीं हो पाती। अच्छा, और नहीं तो मैं ये छोटे सरकार जो खड़ा है बात कर रहा नहीं खड़ा हो पाता, वरना खड़ा हो पाता। एक चीज बताइए, ये आपकी प्रतापगढ़ जिले की ही सीटें हैं बगल की, जो आपकी विधानसभा से लगती हुई है, नीचे बाबागंज और बगल में कुंडा। 2017 में उन दोनों सीटों पर रघुराज प्रताप सिंह और उनके समर्थक सरोज जी जीते थे। रघुराज प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है कि बसपा और सपा से उनके सियासी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पर कहा यह भी जा रहा है कि रघुराज प्रताप सिंह इस चुनाव में प्रमोद तिवारी की मदद कर रहे हैं, सही है? आपके पास क्या जानकारी है? अभी हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं। खुल के बोलिए नेता जी। जी मुझसे कोई बताने नहीं आया था कि उन्होंने, अभी ये कि पिछले को इतिहास देखा जाए तो जिला पंचायत चुनाव में लोग गठबंधन कर लेते हैं अपना, कौन? प्रमोद तिवारी और राजा भैया, और ये लोग बड़े नेता है। अच्छा। इनको लगता है ना जैसे कि किसी और को पनपना, प्रमोद तिवारी का एक इतिहास रहा, उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी बाप बेटी की कुर्सी बचाने के लिए पूरे जनपद से नहीं पर पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस का खत्म कर दिया। जनपद में कहीं कांग्रेस पनप नहीं पाई, केवल डीलिंग करके उन्होंने कांग्रेस को अपनी सीट बचा लिया और केवल सबको समाप्त कर दिया, सारी पार्टियों को। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपके माध्यम से, आज इस बार छोटे सरकार नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार योगी जी की सरकार तो ही है, किसी माइक लाल दम नहीं, आग दिखा दे। और दूसरी बात, जनता हमारी जो भाग बिताता है, एक एक माताएं बहनें हमारे भाई साथी चुनाव लड़े, मैं चुनाव लड़ता शायद जीत ना पाता इस बार भी, लेकिन जब परिवार का एक बच्चा चुनाव लड़ रहा है तो कोई, इस बार कोई हिंसा की घटना तो नहीं हुई? नहीं है, प्रशासन हमारा बिल्कुल। अच्छा, आपने गौर किया, आपने अपने पूरे जवाब में रघुराज प्रताप सिंह पे एक भी टिप्पणी नहीं की? नहीं, हम अपना रामपुर खास देख रहे हैं, हम जब अपने अपने क्षेत्र को जीतेंगे, अपने क्षेत्र से निकलेंगे तो हम किसी बात करेंगे, पहले हम अपना रामपुर खास इस गुंडे को समाप्त करें, पहले जो गुंडा ये हमारे ऊपर छाती पे चढ़ कर दल धर रहा है, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया, जिसने हमारी जमीनें बेचने पर मजबूर कर दिया, मुझको घूम घूम कहता है इसने जमीन बेच कर जमीन बेच डाला आप खरीदेगा, मैं उसको बताना चाहता हूँ जमीन जमीन बेच डाला मतलब ये क्या प्रकरण? मैं कोई अमीर आदमी नहीं, मैंने पहले भी आपसे कहा, मैंने 3 चुनाव लड़ा, दो प्रमुख चुनाव हमारे बड़े भाई लड़े, सपा से भैया तो रहे भी ना ब्लॉक प्रमुख, 19 महीने बाद अविश्वास आ गया, जबनिया
उसमें भी गुंडे ही हुई, मारपीट किया मुझसे, एक वोट से अविश्वास आ गया। उन इसकी बात है, ये 16 की बात है। और अभी जो ये चुनाव, अभी पंचायत चुनाव हुआ, इसमें भी भले भाई साहब लड़े चुनाव, 5 वोट चुनाव हम जरूर हारे ब्लॉक प्रमुख का, उसमें भी पूरी, क्योंकि कारण है BTC क्षेत्र पंचायत सदस्य की हिम्मत नहीं पड़ती ना खुल जाए, क्योंकि उसका इतिहास रहा है कि जो भी खुलकर विरोध किया, जो भी आवाज़ उठाया गरीबों की, तुरंत मुकदमा इतना लग जाएगा जेल में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। रात संध्या से पहले गोड़ टूट जाए, एक मिनट लगे पैर हाथ टूट जाए, तुरंत गोड़ पैर को बोलते हैं। हाँ। प्लीज कंटिन्यू। हम अपने देहाती भाषा में, नहीं बिल्कुल अवधी भाषा में, तो इतना बड़ा महाकाव्य लिखा गया रामचरितमानस, तो इन्होंने केवल गुंडई के दम पर। अब ऐसा लग रहा है कि इस बार आपने सितारे भी बहुत साधे हैं, ये बड़ा दो पत्थर शौक है, मेरी शौक है ये बचपन से। मैं फोटो दिखाऊं 2014 के पहले भी, तो शायद सब उंगलियों पहनता था, ये तो कम हो गए। और चूंकि अब थोड़ा सा परिवार में, समाज में रहना है, एक मर्यादित भी रहना है, और एक तब बच्चे थे, लॉन्ड बना थोड़ा कम करना है। तो और ये शौक है। चलिए बढ़िया, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार के रामपुर खास को लेकर दावे, और यहाँ के कद्दावर कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी के ऊपर उनके आरोप। प्रमोद तिवारी से जब बात करेंगे तो इन आरोपों पर उनका जवाब सुनेंगे, और उनके जो दावे हैं वो भी ज़रूर सुनेंगे। इससे इतर जो हमारा मकसद है रामपुर खास में आने का, कि ये लेजेंड ऑफ प्रमोद तिवारी क्या है, या यहाँ कांग्रेस का इकोसिस्टम कैसे पनपा रहा जबकि पूरे प्रदेश में वो संकट में रहा, उसको भी गांव-गांव में जाकर समझने की कोशिश करेंगे। इनका दावा दुरुस्त है या उनका दावा दुरुस्त है, ज़मीन पर इसकी पड़ताल होगी। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लल्लन टॉप।